अनगिनत जीव जंतुओं से भरी इतनी बड़ी दुनिया में वो क्या चीज है जो इंसान को सबसे खास बनाती है? मनोवैज्ञानिकों की माने तो वो चीज है इंसान की संवेदना, अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता। आजकल बन रहे इंसान जैसे रोबोट्स यानी ह्यूमेनॉइड वैसे तो तमाम काम बड़ी खूबी से कर सकते हैं, लेकिन बिना संवेदना के वो कहां तक जाएंगे? देखिए, हर किसी को रोबोट टीचर नसीब नहीं होता। ना वो सुबह 5 बजे नहीं उठता, वो कभी तनाव में नहीं होता और तनख्वाह बढ़ाने की मांग भी नहीं करता। वह ह्यूमनॉइड है जिसका लक्ष्य है टीचर बनना। आज वह भूगोल पढ़ा रहा है और ये उसके पहले छात्र हैं। वे कैमरे और माइक्रोफोन की मदद से नावो से संवाद कर रहे हैं। आज वे टिकाऊ विकास के बारे में सीख रहे हैं। रोबोट के लिए चीजों की व्याख्या करना आसान है, लेकिन अच्छा टीचर बनने के लिए सहानुभूति और समझ चाहिए। लेकिन मशीन बच्चे की भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करे, उन्हें प्रोत्साहित कैसे करे? अरविंद कपास मनोविज्ञानी हैं जो 25 साल से भावनाओं पर शोध कर रहे हैं। उनकी स्टडी मनोविज्ञान, न्यूरोबायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को एक साथ जोड़ती है। वे रोबोटों को सहानुभूति सिखा रहे हैं। तो हम मशीन को सहानुभूति कैसे सिखाएं? एक ओर तो ये एक तकनीकी समस्या है, तो दूसरी ओर हमें ये तय करना होगा कि सहानुभूति का मतलब क्या है, और इसके बारे में विभिन्न प्रकार के विचार हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये समझने की बात है कि जिस इंसान के साथ मैं संवाद कर रहा हूँ वो क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। वैज्ञानिक अरविंद का पहला काम ये जानना है कि शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का आधार है। स्वाभाविक रूप से पेश आने के लिए नावों को अपने माहौल को पहचानना होगा और छात्रों की भावनाओं को समझना होगा। फिलहाल रोबोट को इसमें मदद की जरूरत है। कंट्रोल रूम में एक मनोविज्ञानी नावो को निर्देश देता है और मुश्किल होने पर एक नए शिक्षक की मदद करता है। शुरुआती नतीजे दिखाते हैं कि रोबोट सीखने के माहौल में मददगार हो सकते हैं। रोबोट की आलोचना पर बच्चों की प्रतिक्रिया मानवीय शिक्षक की तुलना में बेहतर होती है, लेकिन बातचीत के लिए बच्चे अभी भी असली शिक्षक चाहते हैं। इस समय शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोबोट टीचर की मदद में सबसे भरोसेमंद हैं। वे बच्चों को सीखने में मदद कर सकते हैं। मशीनी शिक्षक का एक बड़ा फायदा है, वो बच्चों को किसी भी भाषा में सिखा सकता है। लेकिन नावो को अभी बहुत कुछ सीखना है। पढ़ाने से पहले खुद को भी अच्छे छात्र की तरह कई क्लासेस लेनी होंगी और सारी बातें याद रखनी होंगी।